फिलहाल अपन हो चुके हैं तैयार और ये सामान जिस दिन से मैं आया हूँ तब से ऐसे ही फैला हुआ है। तो चलते हैं अब, हरे सगन लपेटते हैं। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार, छोटों को लगे बैठो। और अभी हम आज जो है, अरे आपका स्वागत है मेरे चैनल किड में, मैं देव नेगी। और आज हम जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम, आज जा रहे हैं हम चाची के मैच यानी कि पवन के मामा के यहाँ। चाची को वहाँ छोड़ के आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ वापस घर आता हूँ कि कहाँ आता हूँ। आज घी सेकंड था हमारे यहाँ, तो पेट तो हमेशा की तरह बड़ा हुआ है। आज पील पील के घी और खा लिया। बस जैसे कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, बोरे पकोड़े दही, आज क्या है, घी सेकंड है, आज घी सेकंड। चलो बाय, जान वो जान, बस तब आ रहा हूँ दोबारा। मर्च पकोड़ा खानी। चाची तुम्हारा लगा के भेलू में मिर्ची ना मैं यू सिगरेट बोलो साफ चुमी नहा के चुम यार बाबा तभी आप लोग का खालो का क्या करते शेष है बगाल में दो मुझे ना ना मैं सुबह सुबह सदा का तुम कौन प्लान थी लेसन बैठ के खालो का दरी अगर तक मेरे बाल बचने हैं तब तक हां हां जब अनार भी हो जाए तब पापा अरे टीके से लगा हुआ कैमरामैन कैमरा खोल के तैयार था। मिल खुद ही लगा लगा लाग तुम लगा बच्चे को घर भर के लगाते हैं सब बच्चे काम दस मुझ कर लगा यार तू मेरे ठीक से अरे ये दिया मैंने टच कर लगा दादी भाई चलो हाथ लगा ना अच्छा चाची भी जा रही हैं मैथ हाँ अच्छा हम अपनी बुआ को पहले मैच छोड़े ले साले की टेंशन कुछ आ रहा हूँ कंपनी वाल छू चलो दादी अरे यार पैर छुए नहीं तुम्हारे ऐसे मसमोली मसमोली पहुंच चुके हैं गाड़ी ऊपर ही पार्क कर रहे हैं अब यहाँ से हम जाएंगे हम लोग नीचे तो अब सफर की शुरुआत हो चुकी है ट्रैकिंग एक और बैग हमने चाचू को ही दे दिए पवन और मैंने क्योंकि ना पवन के बस की है ना मेरे बस की है चाची पक्का दूर तो नहीं है तो कुछ नजारे इस तरह से तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं घर में पहुंच गए हमने हमें नानी नमस्कार नमस्कार बाबू तुम बलचे हाँ। फिलहाल अभी 1:30 बज चुके हैं और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा धूप हो रही है बहुत तेज गर्मी में हालत खराब हमारा सासू अच्छा है हमारा ननिहाल बेकार है नहीं नहीं और खाना खाने की तैयारी करते हैं तो खाना हमारे पास चने की दाल खीरे का रायता और भात और ये हमारा एक छोटा सा पंखा जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है क्योंकि धूप तो बहुत तेज है अरे अब चलेगी धूप चलो खाना खाते हैं भाई उसके बाद अपन लेट जा गए इधर तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है
5:30 सॉरी। और अब निकल रहे हैं वापस, हम अपने ननिहाल आए थे चाची के ससुराल, चाची के मायके सॉरी। तो अगेन बैग मैंने पवन को दे दिया है क्योंकि थोड़ा भारी हो रहा था फिर से। है पवन, मजा आ रहा ना? मजा आ रहा ना? मजा नहीं आने चाहती थी गाड़ी में। तो हम है अभी बाल मेरे फिर मसमोली। हाँ ओ मसमोली, मसमोली में जैसे नज़ारा भी तो सामने धूप पड़ रही होगी तो दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा, धूप हो रही है। तो चलो चलते हैं अपने पास गांव, देखता हूँ कमांडर चाचा कहाँ है, कहाँ महफिल बनती है आज। तो चलो कमांडर चाचा की बात सुनते हैं, चाची और को छोड़ देंगे उसके बाद। तो हालत ख़राब होने वाली है, अब ऊपर चलते चलते हालांकि शॉर्टकट मारा है पवन, थोड़ी तेज में निकल के आगे वो जा रहा। व्यू के मामले में तो मसमोली भी कम नहीं, और बहुत ही भाई सूरज छुपने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बाकी यहाँ पूरा ग्रीनरी। हाँ वो ऊपर स्कूल है, मेरी गाड़ी जो छा मैंने जाना है वो मेरी वे ही, अगर आपको दिख रहा होगा लाल कलर का भालू, ये खड़ी मेरी गाड़ी। बाप रे बाप, अभी बहुत दूर जाना है भाई। चलो हाल सब पहुंच गए वहाँ पवन वन, बस मैं ही रह गया सबसे पीछे। माया भी तो बहुत दूर से था, ओ उधर से फटाफट चलते हैं। सो फिलहाल अभी हम सराय से नीचे आ चुके हैं, चाची को छोड़ दिया है, अब मैं वापस कमांडर चाचा के पास आ गया हूँ क्योंकि सूर्यास्त गढ़वाली मस्त करने वाली कहानी अब शुरू करते हैं। तो चलो चलते हैं फिर ऊपर सराय की तरफ, अभी चाचा के साथ जाऊंगा फिर कुछ खाते पीते हैं, स्नैक्स स्नैक्स लेते हैं। तो चलो बाय, आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रही है अभी तक तो फिलहाल, अब रात को भी छोटी लगेगी तो देखते हैं कुछ जबरदस्ती घुसेड़ घुसेड़ के कि 5-10 मिनट की वीडियो हो जाए, क्योंकि आज कुछ खास था नहीं। आज चाची के वहां चले गया था मायके, तो अपने ननिहाली हुआ, मेरा भी ननिहाली हुआ, मामा के गाँव चले गए थे तो वहां ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बस गए भात खाया और सो गए और फिर डायरेक्ट अभी आए। सो फिलहाल अभी सरायखेत से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, और अपना असला बारूद हमने ले लिया है, कुरकुरे लिए और कुछ नहीं लिया। सो फिलहाल अभी सरायखेत से हमने आइसक्रीम उठा ली है और अब हम आइसक्रीम खाएंगे यार थोड़ी देर में। तो चलो अब चलते हैं नीचे कमांडर चाचा की शॉप पे बैठते थोड़ी देर, फिर घर निकलते हैं क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, वहाँ से शकमू चाचा का भी फ़ोन आ गया। तो चलो दोस्तों मिलते हैं बाद में, बाय।